शाकिर करीम है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं, ये जो प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम myfile.asm के नाम से सेव हुआ है और इसकी एग्जीक्यूटिबल फाइल बनी है myfile.exe। इसको मैं डीबग में ओपन करना चाह रहा हूँ। तो मैं डॉसबॉक्स से मैंने डीबग को जहाँ कॉपी हुआ है, डीबग की फाइल वहाँ पर मौजूद है, माउंट कर लिया मैंने उस फोल्डर को और डीबग के सामने मुझे इसको चेक करने के लिए उसी नाम से, इस नाम से मेरी फाइल सेव हुई माई फाइल 1.exe, ये जो हूँ मैं एंटर करूँगा और अनअसम्बल करूँगा तो मेरे पास ये कोड आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो मूव की कमांड है, सबसे पहले मूव की जो कमांड है वो डेटा सेगमेंट, ये लिखा हुआ डेटा सेगमेंट DTSEG, तो DTSEG जिस सेगमेंट की वैल्यू है, जो वैल्यू असाइन हुई हुई है वो वैल्यू यहाँ पर आई हुई है, ये देख सकते हैं 076E, ये आप नोट कर लें अपने पास, ठीक है। उसके बाद ये इस वैल्यूज को मूव कर देगा डेटा सेगमेंट के रजिस्टर में ताकि डेटा सेगमेंट इनिशियलाइज हो जाए, इनिशियलाइज हो गया। दूसरी चीज़ ये कि डेटा सेगमेंट के अंदर जो ऑफसेट्स ऐड डिफाइन हुए हैं, डेटा वन वेरिएबल डिफाइन किया, डेटा टू वेरिएबल डिफाइन किया और सम वेरिएबल डिफाइन किया, ये ऑफसेट 0 पर 1 पर और 2 पर, तो 0000 लोकेशन जो ऑफसेट की है वो रिप्लेस हो जाएगी इस तरह से। अच्छा, AL, data 1 लिखा होता है, AL, data 1, ये तो डेटा 1 की जगह मेरे पास क्या आ गया, डेटा 1 की मेमोरी लोकेशन आ गई। अच्छा, मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, ब्रैकेट लगा देती है अराउंड में उस ऑफसेट वैल्यू को, जैसे आप पॉइंटर के लिए स्टेरिस करते थे सी लैंग्वेज में, वैसे ही ये क्या करते हैं पॉइंटर बनाने के लिए इसको ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते, ठीक है। तो इस एड्रेस पे क्या ये वैल्यू रखी हुई है मेरे पास, हम चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले सेगमेंट वैल्यू क्या है, 076E, 076E, ठीक है। कोलोन लॉजिकल एड्रेस बनाना है, तो 0000 लोकेशन पे मेरे पास क्या डेटा रखा हुआ, चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 000 लोकेशन पे मेरे पास 20 रखा हुआ है, 20 है, यहाँ पे डेसिमल में यूज डिफाइन हुआ हुआ है 32 जो है, बेसिकली अगर हम चेक करें तो 32 डेसिमल का, हेक्साडेसिमल की वैल्यू आती है इसके करस्पॉन्डिंग 20H, ठीक है, और 21 डेसिमल में हेक्साडेसिमल वैल्यू देता है 15H, तो ये दो वैल्यूज रखी हुई हैं। तीसरा जो ऑफसेट है सम का ऑफसेट है 0003, 0003 पे 0 लिखा हुआ और मैंने भी इनिशियलाइज इसको 0 से किया हुआ, तो 0 ऑफसेट, 1 ऑफसेट और ये 2 ऑफसेट, ठीक है, 0002 और सॉरी 0003 कह दिया मैंने, 0002 है, थर्ड लोकेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम 0000 ऑफसेट, ऑफसेट नंबर 0001 एंड ऑफसेट नंबर 0002, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तमाम चीज़ें हो गई, अब मैं इसको एग्जीक्यूट 1 by 1 अगर करूँगा तो इसकी वैल्यू जो है वो इधर अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं आप सम की ऑफसेट, सम का ऑफसेट जो है वो 0002 है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ गो की कमांड से, G=, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 0000 और एंड पॉइंट इसका क्या है 0013, तो ये मैंने दे दिया 0013। स्पेस ज़्यादा आ गया, इसको दोबारा करते हैं, G=0000001, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर है चूंकि ये, ठीक है, तो प्रोसीजर को जब हम ट्रेस करते हैं तो पी की कमांड से ट्रेस करते हैं, पी से ट्रेस कर लिया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया नॉर्मली। अब हम डेटा की वैल्यू देखते हैं, हमारी जो डेटा की वैल्यू है वो क्या है, डिस्प्ले 076
6E00000 एंटर, ये हमारी वैल्यू आ गई 35। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल हाउ टू डिस्प्ले योर और हाउ टू व्यू योर डेटा सेगमेंट। अगर आप कोड सेगमेंट देखना चाहते हैं, कोड सेगमेंट में आपका ये प्रोग्राम कैसे लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको कोड सेगमेंट को डिस्प्ले कराना पड़ेगा। जैसे हमने डेटा सेगमेंट को डिस्प्ले किया है, यहाँ पे 76E रखकर यहाँ 76F रखना पड़ेगा। होप ये अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप हो गई होगी आपकी। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।